प्यास लगी है, जरा पानी दे दो, पिला दो। सज्जनों देख लीजिए हमारी संकेति, और देखो भगत के विचार, ये भगत है कि छगत है। सज्जनों उधर से झुंड के झुंड आ रहे थे, सब जय भोली बम भोली बम भोली बम भोली करके कहने लगे, हे भोले बाबा के भक्तों, मेरी पति को जरा पानी पिला दो। भूख लगती है तो रोटी की याद आती है, भूख लगती है तो रोटी की याद आती है, और प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और दुखों के दलदल में प्राणी फंस जाते, प्यारे शिव की याद आती है, बाबा भोले शंकर की याद आती है, तो दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होई। खाने लगे, अरे इस बूढ़े को मारो भोली, तुम मेरे साथ चलो रोल्स रॉयस कार में, एयर कंडीशन मकान में। सज्जनों बाबा भोले शंकर की भक्तों का लक्षण क्या कहा सज्जनों, कि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर नीची की तो हया बन गई, और नजर फेर ली तो सजा बन गई। ये नजर ही बता देता है ये ठग है या भक्त। श्री महाराज जी की बात याद आ, महाराज जी सुनाया करते सज्जनों, जो ठग होगा वो उस तरफ बार बार माता बहनों को तरफ देखेगा, कामना भरी हुई हो, एक बार देख लिए कि किसी की माता बहन जा रहे, फिर दोबारा क्यों, कोई बात नहीं, तिबारा तो गए, आंख निकाल लूंगा, बार बार गलत दृष्टि। और कैसे, तो श्री महाराज जी अपने प्रवचन में सुना रहे थे, एक आदमी हीरा लेके जा रहे थे नौलाख रुपये के, सबका क्षेत्र बटा होता जीव कतरे का, सजन लूट पाट के यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा, हम उसको लूट लिए थे, लूट लिए सज्जनों। अब उसके पास था, अब दूसरे गाड़ी में बैठे तो ठग ने दूसरे उसके सामने बर्थ लगा लिए। अब सेठ जी के पास सज्जनों बैग में रखा था 9 लाख रुपए का हीरा, अब वो ठग चढ़ा, और चढ़ते ही सज्जनों कहने लगे, कहा कि सज्जनों कि बाबूजी आप कहाँ जाओगे, वो पहले पूछे, कहा कि मैं बम्बई जा रहा हूँ, कहा कि आप कहाँ जा रहे, कहा कि हम भी बम्बई जा रहे हैं, कहा चलो एक से दो भला। अब जब वो बैठे तो सज्जनों वो बातें करें, जो किसी से बात करें, कहते ने नजर से नजर में मुलाकात हो गई, ये दृष्टि बता दी था सज्जनों। आप लोगों से मैं प्रश्न पूछूंगा कि मंदिर में जाकर के आप भगवान की आंखें आंख बंद करके खड़े क्यों, सज्जनों विचार करने का विषय है, लेकिन ये आंख का इशारे को समझो, ये हाथ के इशारे को समझो, ये काली पुतली के इशारे को समझो सज्जनों, लेकिन इसको कुछ ही पता ही नहीं। हमारे संतों ने कहा कि बार बार वो देख रहे थे कि इस थैले में है कि इस थैले में, इस थैले में किस थैले, लाला जी बड़ी चलाक थे, उसने कहा ये गलत आदमी है, ये बार बार मैं बातें कर रहा हूँ तो नजर से नजर में बात करो, जिसके छल कपट नहीं होगा डायरेक्ट नजर से नजर में बात करेंगे, इधर नहीं करेंगे, लोग इधर उधर टहरे तो मेरी बात सुनने इधर। इसीलिए हमारे संकट सत्संग कैसे सुना जाए, सत्संग में बैठे तो सत्संग में कितने प्रकार, एक गप्पू भगत, एक सप्पू भगत, एक टक्कू भगत हो गए सजनों। कोई कोई विवेकी होता है सजनों, जिसका श्रोता वक्ता का एक निधि होता है, वो सत्संग सुन रहा है, सत्संग कान से नहीं। सज्जनों तो मोबाइल माध्यम है, तो कान तो हमारा माध्यम है, लेकिन सुनाना किसको है, मन को, तो मानव का मन जागृत अवस्था में कहा होगा। सज्जनों काली पुतली के बैक साइड में जब आप सत्संग और श्रोता और वक्ता का एक निधि होता है, तब तुम सत्संग सुन रहा है सज्जनों, और नहीं तो इधर से सुन के इधर निकाल दिए, इधर से सुन के इधर निकाल दिए। जब हमारे संतों ने कहा कि तक्कू भगत अधिक मिलेंगे, बड़े प्रेम से सत्संग कीर्तन में जाइए, और सुंदर सुंदर चप्पल जूता छान के
अक्सर आप देखते नए चप्पल जूते वो आखिर तक्कू भगत होता है, उसको सत्संग से कोई और एक होता है गप्पू भगत सजनो, उधर सत्संग हो रहा है और उधर माता बहन, अरे तुम्हारी बहू कैसे कह रही मत पूछो, मेरी बहू ने तो नाम बदनाम कर रखा ताकि जो गत तो मैं भी बहुत दुखी हो गया, आज घर को सेटिंग कर नहीं पाए, ये सत्संग घर का सेटिंग कर देता सजनो, और इसलिए कहते सौ काम छोड़ करके सत्संग में घर सेटिंग हो गया आपके घर में सज्जनों आनंद ही आनंद है, जिसको हम आप गाते हैं मंगल भवन अमंगल हारी उमा सही से जो जब पुरानी, जब भगवान शंकर और सती ने जिस नाम का जाप किया गृहस्थ जीवन में आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो देव आदि देव और सती ने बैठ के कौन सा नाम का जाप किया है, आइए उस नाम के विषय में प्रकाश डालते हैं सज्जनों, देव आदि देव यही तो सती से कहती उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना, केहे उमा एक हरि का ही भजन सत्य है और संसार सपन बत है सज्जनों, आइए विचार करेंगे लेकिन हमारी कीर्तन मंडली वाली को देखा